एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली सरकार लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से कोई हल निकाला जाए ताकि एनजीटी के सामने अपना पक्ष रखा जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल राय, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री। सर, आज लगातार वन टू वन आपने मीटिंग की है, कई दौर की मीटिंग हुई है, क्या कुछ हल निकल कर आ पाया है सामने? नहीं, अभी आज हमने कल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की थी। आज जितने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, जो संगठन हैं दिल्ली के और नेशनल लेवल पे, उनके साथ हमने बातचीत की है कि उनके क्या क्या समस्याएं इनसे पैदा हो रही हैं। उन लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और इन सब चीज़ों के जो प्रस्ताव आए हैं, इसके साथ अभी सेंटर केंद्रीय मंत्री जी से हमने टाइम मांगा है और उसके साथ बैठ करके एक प्लान को वर्कआउट करेंगे और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसको हम लोग एनजीटी के सामने, कोर्ट के सामने रखेंगे। एक फॉर्मूला भी निकला है इस पूरी बैठक के बीच से कि कुछ आप लोग पेश करना चाह रहे हैं एनजीटी के सामने? नहीं, वो हम लोगों का ये निकल करके आया है, ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि भाई कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो नई भी हैं उनसे भी प्रदूषण फैलता है, कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो 10 साल से ज़्यादा की भी हैं, 11 साल की हैं, उनमें भी कम प्रदूषण फैलता है। तो ये अलग अलग व्यू पॉइंट सामने आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये अभी एक बातचीत में बात उभरी है कि एक ओपन ट्रायल हो जाए, तो अभी हम जो प्लान कर रहे हैं कि बुराड़ी अथॉरिटी में जो 100 गाड़ियां उनका प्रदूषण हम चेक करेंगे जो 12 से 15 साल की हैं, 10 साल पुरानी हैं, और 100 वो गाड़ियां जो 10 साल के बाद की हैं, दोनों का पोल्यूशन लेवल चेक करेंगे और वो ओपन करेंगे। उसमें एनजीटी के जो कमिश्नर हैं, उन जो अलर्ट हुए हैं, उनको भी बुलाएंगे, डिपार्टमेंट भी रहेगा, मीडिया को भी बुलाएंगे, ट्रांसपोर्टर को भी बुलाएंगे, पर्यावरणविद हैं उनको भी बुलाएंगे और सबके सामने ये ट्रायल करेंगे जिससे कि एक्चुअल पोजिशन क्या है वो सामने आ सके और जिससे कि सभी लोगों को बात को समझने में आसानी हो सके। तो कुल मिलाकर गोपाल राय बता रहे हैं कि एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है ताकि जो प्रदूषण है उसकी असली वजह को पहचाना जा सके और जो जो फैसला आया है उससे जो है उन लोगों को राहत भी दिलाई जा सके और प्रदूषण भी कम किया जा सके। अब देखना होगा ये फॉर्मूला एनजीटी स्वीकार करता है या नहीं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।